Hi friends, today we are going to know about the human nervous system. So let's start. Friends, firstly nervous system के बारे में जान लेते हैं. तो nervous system as a communication, as a control system की तरह work करता है. जो कि जो nervous system है, nervous system में brain consist होता है. Brain, spinal cord and CNS, PNS, peripheral nervous system and central nervous system consist होते हैं. सो नर्वस सिस्टम जो है एज अ कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल ऑफ नेटवर्क वर्क करता है. एंड ब्रेन जो होता है वो सेंड करता है मैसेज को एंड रिसीव भी करता है. सेंड करता है, रिसीव करता है, ये जो प्रोसेस होता है वो बाय स्पाइनल कॉर्ड होता है. स्पाइनल कॉर्ड से बहुत सारे बिलियंस ऑफ इंटरकनेक्टेड नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड से बहुत सारे इंटरकनेक्टेड मतलब बहुत सारी नर्व्स जो होती हैं वो कनेक्ट रहती हैं. सेल वरी टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी की एवरी पार्ट से जो नर्व सेल्स होती हैं वो स्पाइनल कॉर्ड में कनेक्ट रहती हैं. सो ब्रेन एज अ सेंड एंड रिसीव मैसेज की तरह वर्क करता है एंड कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल नेटवर्क की तरह वर्क करता है. नर्वस सिस्टम जो होता है वो हाई स्पीड इंटरनेट की तरह वर्क करता है, जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को सेंड करते हैं बहुत ही स्पीडली से सेंड करते हैं नर्व सेल में, जिसे हम न्यूरॉन बोलते हैं. एंड सेंसरी नर्व जो होती हैं वो सिग्नल्स को सेंड करती हैं ब्रेन में सेंस रिसेप्टर के थ्रू पूरी ऑल ऑफ द बॉडी में एट द सेम टाइम पे एंड अपोजिट डायरेक्शन. देन अपोजिट डायरेक्शन यानी कि मोटर नर्व जो होती है वो सिग्नल्स को सेंड करती है ब्रेन को. एंड ब्रेन जो होता है उस इंफॉर्मेशन जिस भी प्रकार की इंफॉर्मेशन है उस टाइप से उसे रिएक्ट करती है, उसे रिस्पॉन्स देती है. देन ब्रेन जो है वो जहाँ पे भी मूवमेंट होना है, जहाँ पे एक्टिविटी होनी है, तो उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग मैसेज के फॉर्म में स्पाइनल कॉर्ड से होता हुआ वो मैसेज जो है उस मसल तक पहुंचता है. सो नर्वस सिस्टम एज अ कम्युनिकेशन मींस जो है सच एज जैसे कि हॉट पार्टिकल्स जब हम टच करते हैं तो हमको पता चल जाता है कि हॉट पार्टिकल्स जब हम टच कर सकते हैं तो हम बर्न हो सकते हैं, जल सकते हैं. एंड जो हॉट पार्टिकल्स टच कर सकते हैं करेंगे तब हमारी बॉडी को इफेक्ट हो सकता है, तब जस्ट हम अपना हाथ जो है हटा लेते हैं. तो ये जब जस्ट हटा लेते हैं ये हाथ, तो ये जो होता है बाय ब्रेन के द्वारा होता है. एंड जो हमारे सेंस रिसेप्टर्स होते हैं उनके थ्रू, ये सेंस रिसेप्टर्स के थ्रू जो है वो इंफॉर्मेशन यानी कि जो हार्ट है वो इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड से होता हुआ ब्रेन में जाता है. एंड ब्रेन जो होता है उस इंफॉर्मेशन के लिए रिएक्ट करता है एंड रिस्पॉन्स देता है. देन वो इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोसेस होता है एंड इंफॉर्मेशन जो है वो मैसेज के फॉर्म में स्पाइनल कॉर्ड से होता हुआ वापस जो है उस नर्व तक पहुंचता है जहां पे एक्टिविटी होनी है, जहां पे परफॉर्म होना है. सो मसल को मूव करने के लिए कहते हैं. सो इस प्रकार से जो है नर्वस सिस्टम वर्क करता है. एंड फ्रेंड्स, जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, स्पाइनल कॉर्ड जहाँ पे ये स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट रहती है ब्रेन से, तो एक हॉलो एक ओपनिंग होती है ऑक्सीपिटल बोन में. ऑक्सीपिटल बोन में एक लार्ज ओवल ओपनिंग होती है स्कल में, जिसे हम फोरामेन मैग्नम कहते हैं. तो इससे ये स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो अटैच रहती है. स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन में अटैच होती है जहाँ पे एक ओवल ओपनिंग होती है लार्ज, जिसे फोरामेन मैग्नम कहते हैं. सो वहाँ से स्पाइनल कॉर्ड अटैच रहती है. नेक्स्ट फ्रेंड, जो नर्वस सिस्टम होता है वो टू पार्ट को कंसिस्ट करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम को CNS भी बोल सकते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को PNS बोलते हैं. सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है हमारी बॉडी को, जो बॉडी की एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कंट्रोल करता है. एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को कंसिस्ट करता है. सो ब्रेन जो है वो ब्रेन रिसीव एंड प्रोसेस सेंसरी इंफॉर्मेशन इन सीएस रिस्पॉन्स स्टोर मेमोरीज जनरेट थॉट एंड इमोशंस. ब्रेन जो होता है किसी भी प्रकार के इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, जैसे कि हम हॉट पार्टिकल्स जब टच किया है तो वो हमारे लिए हार्मफुल है, तो वो इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड से होता हुआ ब्रेन में पहुंचा. एंड ब्रेन जो है उस इंफॉर्मेशन के लिए जस्ट प्रोसेसिंग होती है
एंड सो ब्रेन जो है एज अ रिसीवर भी वर्क करता है एंड उस इन्फॉर्मेशन के लिए प्रोसेस करता है एंड इन्फॉर्मेशन को मैसेज के फॉर्म में उस मसल्स तक पहुंचा देता है. सो इस टाइप से जो है ब्रेन वर्क करता है एज अ सेंट्रल सिस्टम. एंड स्पाइनल कॉर्ड से होता हुआ जो स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, कंडक्ट सिग्नल को कंडक्ट करता है ब्रेन से एंड कंट्रोल रिफ्लैक्स एक्टिविटी, जो रिफ्लैक्स एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कंट्रोल करता है, यानी जो मूवमेंट होती है बॉडी की उनको कंट्रोल करता है. सेकेंड इज़ पेरीफेरल नर्वस सिस्टम. सो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम जो है PNS भी कहते हैं इसको. एंड पेरीफेरल नर्वस सिस्टम मोटर न्यूरॉन एंड सेंसरी न्यूरॉन को कंसिस्ट करता है. फ्रेंड्स, जो सेंसरी नर्व होता है इनका वर्क होता है, इनका फंक्शन होता है ब्रेन से टच स्मेल टेस्ट सेंसेशंस को इनपुट करते हैं. एंड सेंसरी नर्व को हम अदर नेम इसका, इससे हम सेंसरी नर्व को हम एफरेंट नर्व भी कहते हैं. फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट हमारा है मोटर नर्व CNS टू मसल एंड ग्लैंड. मोटर नर्व जो होती है वो इम्पल्सेस को ब्रेन से मसल्स एंड ग्लैंड्स तक पहुंचाती है. एंड जो मोटर नर्व होता है इसका अदर नेम इफरेंट नर्व भी होता है. सो फ्रेंड्स, जो मोटर नर्व होती है वो सोमैटिक नर्व सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कंसिस्ट करती है. फ्रेंड्स, जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है वो ब्रेन के थ्रू बॉडी में जो मूवमेंट होते हैं, ब्रेन के थ्रू जो ब्रेन मैसेज दे रहा है, तो ब्रेन के थ्रू जो बॉडी में मूवमेंट होता है जो बॉडी के वॉलेंट्री कंट्रोल है, मीन्स जैसे कि हॉट पार्टिकल्स टच किया है तो वो हमें हाथ हटाना है, तो जो बॉडी के वॉलेंट्री मूवमेंट्स हैं यानी कि जो हमारी इच्छा, जो हमारी विश के अकॉर्डिंग है जो वॉलेंट्री कंट्रोल होते हैं, तो उनको बॉडी के वॉलेंट्री मस्कुलर सिस्टम को कंट्रोल करना होता है. एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यानी कि जो अनवॉलेंट्री रिस्पॉन्सेज होते हैं उनको कंट्रोल करता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. एंड नेक्स्ट फ्रेंड्स, जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ये सिंपैथेटिक डिवीजन एंड पैरासिंपैथेटिक को कंसिस्ट करता है. सिंपैथेटिक जो होती है वो फाइट एंड फ्लाइट की तरह वर्क करता है, फाइट एंड फ्लाइट की तरह वर्क करता है. हार्ट रेट को इंक्रीज कर देता है, ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देता है एंड ब्लड प्रेशर को राइज कर देता है. पैरासिंपैथेटिक जो होता है वो रेस्ट और डाइजेस्ट की तरह वर्क करता है, ये हार्ट रेट को स्लो कर देता है. एंड नेक्स्ट फ्रेंड्स, वी आर डिस्कस अबाउट सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम द कम्प्लेक्स ऑफ नर्व टिश्यू दैट कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी. सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है बॉडी की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है सभी ह्यूमन एंड वर्टिब्रेट्स में जो भी है. एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को कंसिस्ट करता है, हम लोगों ने बैक साइड चार्ट में भी देखा है. नाउ वी आर डिस्कस अबाउट ब्रेन एंड क्रैनियल नर्व्स जो कि CNS कंसिस्ट करता है. ब्रेन जो है वो बॉडी का 1/5 वेट होता है, जो भी बॉडी का वेट है वो उस बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग 1/5 वेट होता है ब्रेन का. एंड लाइज विद इन द क्रैनियल कैविटी. एंड ब्रेन जो है वो क्रैनियल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं. ब्रेन इज़ एन ऑर्गन दैट मेड ऑफ लार्ज मास ऑफ नर्व टिश्यू. ब्रेन जो होता है वो लार्ज मास ऑफ नर्व टिश्यूज का बना हुआ होता है एंड ब्रेन स्कल से प्रोटेक्ट रहता है. थिंक ऑफ ब्रेन एज अ सेंट्रल कंप्यूटर दैट कंट्रोल ऑल बॉडीज फंक्शंस. ब्रेन जो है वो एक सेंट्रल कंप्यूटर की तरह वर्क करता है जो बॉडी के सभी फंक्शंस को कंट्रोल करता है, यानी कि जो भी हम बॉडी के जो भी मूवमेंट करते हैं उनको ब्रेन के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है. सो ब्रेन हमारे मूवमेंट्स को, बॉडी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है. द रेस्ट ऑफ नर्वस सिस्टम इज लाइक अ नेटवर्क दैट रिले मैसेज. जो नर्वस सिस्टम होता है वो मैसेज को रिले करता है बैक एंड फोर्थ फ्रॉम द ब्रेन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स से मैसेज को रिले करता है ब्रेन तक. इट डज दिस द वाइस स्पाइनल कॉर्ड. ये जो मैसेज जाते हैं जो डिफरेंट टाइप के जो नर्व्स होती हैं, जो भी डिफरेंट बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनके जो नर्व्स होती हैं, नर्व्स के थ्रू जो है मैसेज स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन में जाता है. देन वो उस इंफॉर्मेशन का प्रोसेसिंग होती है, फिर ब्रेन जो है रिएक्ट करता है, रिस्पॉन्स देता है उस इंफॉर्मेशन को एंड मैसेज के फॉर्म में वो स्पाइनल कॉर्ड से होता हुआ उस नर्व सिस्टम में पहुँच जाता है,
उस न्यूरॉन तक पहुंच जाता है जहां पे एक्टिविटी परफॉर्म होनी है. विच रन फ्रॉम द ब्रेन डाउन दैट द वर्क. एंड फ्रेंड्स, जो ब्रेन होती है वो सेरेब्रम एंड ब्रेन स्टम से कंसिस्ट होती है. ब्रेन जो है वो मिलकर के बना हुआ होता है सेरेब्रम एंड ब्रेन स्टम से मिलकर के ब्रेन बना हुआ होता है. एंड पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का पार्ट्स जो होता है, ब्रेन के जो पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं. फर्स्टली सेरेब्रम होता है, ब्रेन स्टम होती है एंड डाइसेफलोन होता है. इन चार पार्ट से मिलकर के हमारा ब्रेन बना हुआ होता है. सेरेब्रम जो होता है वो राइट सेरेब्रल हेमिस्फेरस एंड लेफ्ट सेरेब्रस हेमिस्फेरस को कंसिस्ट करता है. एंड ब्रेन स्टम जो होती है वो मेड्यूला पोन्स एंड मिड ब्रेन को कंसिस्ट करती है. एंड डाइसेफलन जो है थैलेमस हाइपोथैलेमस इपीथैलेमस एंड पैनियल ग्लैंड को कंसिस्ट करती है. सो ब्रेन हमारे चार पार्ट से मिलकर के बना हुआ होता है. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो.